नमस्कार, द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे घर में दूध फट जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम इस दूध से क्या करें। तो आज मैं आपको उसी फटे दूध का यूज़ बताने जा रही हूँ। उस फटे दूध के छेने से मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ पनीर की जलेबी बनाने की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो आप पूछिए मत कि ये कितनी टेस्टी लगती हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये पनीर की जलेबी बनाना। पनीर की जलेबी बनाने के लिए दोस्तों, मैं ले रही हूँ ये करीब 125 ग्राम पनीर है। सबसे पहले मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, एक जार में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। मैं देखिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बन चुका है। अब मैं इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब आप इसमें डाल लें 1/4 कप मैदा। ये करीब 4 बड़े चम्मच मैदा है। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, ये उतनी ही कुरकुरी और टेस्टी बनकर तैयार होंगी। और 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल दें कॉर्नफ्लोर का। अब आप इसमें डाल दें 1/2 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें आप इसमें और एक इसका थिक सा पेस्ट तैयार कर लें। देखिए, मैंने इसमें करीब 1/2 कप दूध डाल दिया है। थोड़ा सा गाढ़ा मिक्सचर मुझे लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा ही, क्योंकि हमें नॉर्मल जो जलेबी का बैटर होता है उससे इसके बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा रखना होता है। उतना पतला बैटर हमें इसका नहीं करना होता। ये देखिए, लगभग इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें रखना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, वरना बिना कलर के भी ये काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती हैं। बस इसको डालने से क्या होता है कि इसका बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आ जाता है। और इसे अच्छे से मिक्सचर को फेंट लें। जितने अच्छे से आप इस मिक्सचर को फेंटेंगे, हमारी जलेबी उतनी ही अच्छी क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। देखिए, मैंने इस मिक्स को काफ़ी अच्छे से फेंट लिया है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये आ गया है। अब आप क्या करें, इसे 10 मिनट छोड़ दें। इतने हम अपनी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने इस तरह की एक छोटी कढ़ाई ले ली है। मेरे पास दोस्तों कुछ चाशनी पहले बची हुई रखी थी, तो ये मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखी थी, इसलिए मैं कम ही चाशनी बना रही हूँ। इसके लिए मैं 1 छोटा कप चीनी का डालूंगी। करीब 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ मैं और 1/2 कप पानी। मतलब चाशनी का एक सीधा मेजरमेंट है कि आप जितनी चीनी डालें उसका 1/2 पानी डालें। ये देखिए, 1/2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और उसको मैं गैस पर पकने के लिए रख देती हूँ। देखिए, मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। पहले चीनी को पूरी तरह घुल जाने दीजिए। देखिए, चीनी पूरी तरह घुल चुकी है। बस हमें इसकी एक हल्का तार पूरी तरह कंप्लीट ना बने, बस ये चिपचिपे हो जाए, उतनी चाशनी हमें इसके लिए बनानी है। ये देखिए, 3-4 मिनट हो गए हमारे चाशनी को पकते हुए, मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए, ये हल्की चिपचिपी हो चुकी है। बस अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, आपकी चाशनी बनकर तैयार। देखिए दोस्तों, हमारे मिक्स को रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बिल्कुल 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दें। देखिए, बिल्कुल 1/4 छोटा चम्मच डाला है मैंने और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा मिक्स जलेबी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम बेकिंग पाउडर इसलिए एकदम लास्ट में डालते हैं क्योंकि इसके बाद फिर हमें बैटर को रखना नहीं होता है। इसके बाद इसकी तुरंत जलेबी बना लेनी चाहिए। अब मैं ले रही हूँ इस तरह का एक पाइपिंग बैग और ये मैंने एक स्टार वाला नोजल ले लिया है, जो छोटा हम केक की डेकोरेटिंग करते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्या करें, आप किसी भी कोई दूध की थैली या कोई भी एक प्लास्टिक का कुछ भी ऐसा ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। और अब मैं इसमें इस बैटर को भर लूँगी। इस तरीके से इसमें इस मिक्स को मैं डाल लूँगी। देखिए, मैंने पाइपिंग बैग में पूरे बैटर को भर दिया है। मैंने घी को भी गर्म होना रख दिया था। हम छोटा सा एक पीस डालकर चेक करते हैं। देखिए, हमारा घी गर्म हो चुका है और इस तरीके से आप सावधानी से अपनी जलेबियों को बना लें। देखिए कितने आराम से ये बन जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा घी भरने की ज़रूरत नहीं है पैन में।
देखिए हमने पैन में एक बार की जलेबियों को डाल लिया है। अब इन्हें आप बिल्कुल सिम गैस पर अच्छी कुरकुरी होने तक सिकने दें। 3-4 मिनट आप इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें। देखिए हमारी जलेबी को सिकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी सेटल होने लगी हैं। अब आप इन्हें सावधानी से पलट लें और अलटते पलटते हुए बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेक लें। एक पैच को सिकने में दोस्तों करीब आपको 10 से 12 मिनट का टाइम जरूर लगेगा। बस आपको पेशेंस रखना है, जितने अच्छे से आप इन्हें कुरकुरी होने तक सेकेंगे उतनी ही अच्छी जलेबी आपकी बनकर तैयार होंगी। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जलेबी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इन्हें इसमें से निकाल लेते हैं। देखिए एकदम कुरकुरी हो चुकी हैं और अब हम इन्हें तुरंत ही गर्म चाशनी में डाल देंगे करीब 3-4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम आपको चाशनी में इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी बाकी की जलेबी भी बना लेते हैं। देखिए हमने बाकी की जलेबी को भी डाल लिया है। देखिए चाशनी में डाले हुए इन्हें 3-4 मिनट हो गई हैं। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं चाशनी से और हमारी जलेबी सर्व के लिए एकदम रेडी है। देखिए दोस्तों हमारी टेस्टी पनीर की जलेबी सर्व के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन त्योहारों पर बनाइए ये शानदार पनीर की जलेबी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।